कुलदीप सिंह का न्यूजीलैंड दौरे के लिए हुआ चयन। पिछले महीने ईरानी ट्रॉफी में चटकाए थे 8 विकेट। रीवा जिले के कुलदीप सिंह का न्यूजीलैंड दौरे के लिए चयन हो चुका है। पिछले महीने ईरानी ट्रॉफी में उन्होंने 8 विकेट चटकाए थे। रीवा के तेज गेंदबाज कुलदीप सिंह अब न्यूजीलैंड की फास्ट पिच पर करेंगे गेंदबाजी। कुलदीप को न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया है। 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच गुजरात के राजकोट में हुए रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम ईरानी ट्रॉफी के मैच में कुलदीप ने 8 विकेट चटकाए थे। इससे पहले भी वे आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी ओर खींच चुके हैं। एसपीएसयू पवेलियन के क्रिकेट कोच एरिल एंथोनी ने बताया कि कुलदीप ने पहली पारी में 5 विकेट तो दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे। इसी खेल के बदौलत 29 अक्टूबर को एनसीए कैंप बेंगलुरु के लिए बुलावा आया। हाल ही में इंडिया ए के दोनों मैच में कुलदीप ने महत्वपूर्ण विकेट लेकर सबको चौंका दिया था। तब से तय हो गया था कि आगामी दौरे के लिए कुलदीप का चयन जरूर होगा। कुलदीप सेन का जन्म 28 अक्टूबर 1996 को रीवा शहर के समीपी ग्राम हरिहरपुर में हुआ था। पिता रामपाल सेन की सिरमौर चौराहे पर सैलून की शॉप है। 3 भाइयों में सबसे बड़े कुलदीप क्रिकेटर हैं। दूसरे नंबर के भाई राजदीप सेन का हाल में मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है। तीसरे नंबर के जगतदीप सेन कोचिंग चलाते हैं। आईपीएल के कई मैचों में कुलदीप ने 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर चुके हैं। फटे मोजो की गेंद और मोगरी से क्रिकेट खेला था। बचपन के दोस्त राघवेंद्र सेन ने बताया कि फटे मोजे की गेंद और मोगरी से क्रिकेट खेलने वाला मेरा यार आज टीम इंडिया का स्टार बनने वाला है। हम दोनों एक ही साथ पले बड़े हैं। 2005 में हमारी उम्र 8 से 10 साल थी। तब हमारे पास गेंद और बैट नहीं होता था। ऐसे में हम फटे मोजे की गेंद बनाकर और मोगरी के बैट से खेला करते थे। क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था, सिर्फ मनोरंजन का साधन था। कुलदीप के दोस्त ने कहा कि कुलदीप सेन के रूम में कोई नहीं जाता है, सिर्फ यार यानी मेरी एंट्री होती है। तेज गेंदबाज कुलदीप का 2 मैच पहले 27 अगस्त 11 सितंबर के बीच दुबई में खेले गए एशिया कप के लिए चयन हो चुका है। हालांकि उनको खेलने का अवसर नहीं मिला था। तब इंडियन क्रिकेट में 18 सदस्य में जगह दी गई थी। बैकअप खिलाड़ी स्टैंड बॉय के रूप में श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और अक्षर पटेल का चयन हुआ था। चोट के कारण दीपक चहर को ड्रॉप कर कुलदीप सेन को चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।